हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं शालू और आप देख रहे हैं इंडियन फैशन आइडियाज, जहां हम बात करते हैं इंडियन फैशन, डिजाइनिंग, कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ शॉल रीयूज आइडियाज। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले, ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं, ये एक शॉल का बचा हुआ पीस है। क्योंकि इस शॉल के हाफ पार्ट को मैंने अपने कुर्ता का योक बनाने के लिए यूज कर लिया था, और जो उसमें से हाफ बचा था उससे मैंने ये बनाया है पोंचू। इस शॉल के ऊपर कुछ प्रिंटिंग वर्क हो रखा था जो निकलना शुरू हो गया था। शॉल के फ्रंट पार्ट को यूज ना करते हुए उसके बैक पार्ट का यूज किया है। पोंचू को बनाने के लिए मैंने शॉल को स्क्वायर में काटा। पोंचू के चारों तरफ पे मैंने ये ऑफ व्हाइट कलर में लेस लगा दी, और ये लेस ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने इसके चारों तरफ पे ये लेस का यूज किया है। देखिए, ये देखिए इस तरह से, और इसके नेक को इस तरह से बोट नेक में कटिंग करके और इस पर भी इस तरह से लेस लगा दी। देखिए, ये मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ करके लगाया है, ताकि ये ऊपर से इस तरह से ये मेहरून वाला पार्ट दिखे और ऐसे ऐसे लगे कि मैंने यहाँ पे अलग से पाइपिंग लगाई है। और बैक पे भी इस तरह से सेम, देखिए ये पूरे फ्रंट और बैक दोनों तरफ इस तरह से लगाई है। इस पोंचू को आप इस तरह से भी घुमाकर ऐसे, इस पोंचू को आप इस तरह से भी स्टाइल कर सकते हैं। देखिए, ये इस तरह से भी पहना जा सकता है और इस तरह से भी, और इस तरह से भी पहना जा सकता है। इस तरह के पोंचू को आप अपने किसी साड़ी, सूट या फिर किसी भी कंट्रास्ट कलर के टॉप के साथ यूज कर सकते हैं, और ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देता है। ये जो आप नेक्स्ट पोंचू देख रहे हैं, ये एक मल्टी कलर में स्टॉल थी, उससे उस स्टॉल को यूज करके मैंने ये पोंचू बनाया है। इसको बनाने के लिए मैंने शॉल को स्क्वायर में काटा, और मुझे स्टॉल के दो पीस, दो स्क्वायर पीस मिल गए थे, एक फ्रंट और बैक।
उन दोनों पीसेस को मैंने इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा के जोड़ दिया, यहाँ भी और यहाँ भी इस तरह से दोनों तरफ सिलाई लगाकर जोड़ दिया। नेक को बनाने के लिए मैंने एक स्ट्रेट पट्टी काट दी, फ्रंट और बैक में स्ट्रेट पट्टी काट दी, और जो बाकी मटेरियल बचा था उसको मैंने यहाँ पर फ्रंट पर लाकर मोड़ दिया, देखिए, ताकि शॉल को भी अंदर का कॉन्ट्रास्ट मिल जाए और ये इस तरह से स्ट्रेट नेक बन जाए। देखिए इस तरह से बैक भी और ये फ्रंट भी इस तरह से कंट्रास्ट में आ गई। यहाँ पे डार्क पोर्शन है और यहाँ पर ये लाइट कलर का पोर्शन आ गया। इस तरह के पोंचों को आप अपने किसी भी टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हैं। शॉल या स्टॉल में से पोंचों बनाना बहुत इजी होता है, आप चाहें तो इसको अपने घर पर भी बना सकते हैं और अपने शॉल और स्टॉल को रियूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सब मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आपसे हम स्टिचिंग कैसे करवा सकते हैं, तो इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम करके मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी आज की वीडियो, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंडियन फैशन आइडियाज, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।